21 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर महिला थाने पर शाजापुर निवासी एक अफराज अहमद के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हाल मुकाम आगर फातिमा मस्जिद शीबा अली का निकाह शाजापुर में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। अफराज अहमद के साथ जो है 2020 में विवाह हुआ था। शीबा अली का आरोप है कि अफराज उसे लगातार दहेज की मांग कर पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिवाली का आरोप है कि अफराज उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अफराज अहमद के विरुद्ध धारा 498A, 323, 294, 506 IPC में मुस्लिम विवाह संरक्षण की धारा 4 के तहत अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। महिला थाने में रिपोर्ट लिख पाई है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे। मेरे पापा से डिमांड थी उनकी 2 लाख रुपये और गाड़ी की, और 21 बर्तन पीतल के, 11 बर्तन तांबे के, इस तरह की डिमांड रखी। जब मेरे पापा नहीं दे सके तो ये लोग मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, और मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रखा था, फिजिकली भी डिस्टर्ब कर रखा था। मेरी सास मारती, सुसर मारता, जेठ मजर अहमद, पिता मंजूर अहमद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते रखते, और यहाँ ला के मुझे छोड़ दिया। जब मेरे पापा ने नहीं बनी उनसे देने की, तो बोल दिया कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर छोड़ दिया है और तलाक दे दिया। हमने 3 बार तलाक देकर गए, क्या बोले, तलाक 3 बार दे दिया और बोल दिया कि तुम कोरे कागज पे सिग्नेचर करती हो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर नहीं तो फिर वो लोग चले गए और सिर्फ तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करी, मारकूट करी, उसके साथ इन्होंने गोलियाँ खिलाई उसको, और पीछे खड़े होकर मेरे पास फ़ोन लगवाया कि यानी ऐसा बोलना कि मैंने खाई तो तुम्हारे, नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हारे को। और इसका जेठ बहुत ज़्यादा परेशान करता, इसका ससुर करता, सास मारती, इसका घर, वो इसका हस्बैंड मारता इसको, और जेठ भी मारता, और ससुर भी मारता इसको, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इसको। वो दहेज की मांग कर रहे थे इसलिए यहाँ छोड़ के गए कि दहेज दो हमारे को। ये जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? अफराज मजर अहमद और इसका ससुर, उसका देवर तनवीर। आपके घर पे आए थे क्या मारपीट करने? घर पे आए थे मारपीट करने, यही 3 बार अलग तलाक बोल के गए। वो ज्यादा मारपीट, गंदी गालियां बकी उन्होंने बार बार, मतलब 3 तलाक की बोल रहे, 2 लाख रुपए बोल रहा था रिमांड होने, एक मोटरसाइकिल की भी बोल रहा थे, और किन्न से इसे यहाँ छोड़ गए, और किन्न ने गाड़ी और 2 लाख रुपए लिया ना, और फिर ये करेंगे नहीं तो 3 तलाक दे के चले गए। वो अफराज अहमद कहाँ रहते? शाजापुर। और वो मजर ज़्यादा उसमें वो करता है बार बार नाम से मजर उसके बच्चे अपने उसका अफराज का भाई बड़े पापा का लड़का। देखिए एक फरियादिया के द्वारा ये कंप्लेंट की है कि शादी होने के बाद उसके सफरा वाले प्रधान कर रहे थे, और वो बेसिकली 498 का अपराध है, लेकिन वो कंटेंट आने के कारण वो भी धाराएं लगी हैं। और दूसरा मेरा मत यह है कि चूंकि हमारी जो बालिकाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, वो काफ़ी समझदार हो गई हैं, तो वो किसी अपराध के खिलाफ जो है हर कार्रवाई के लिए सक्षम है, और उनके द्वारा कार्रवाई के लिए मांग की तो पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगरमालवा से ओम प्रकाश सूर्यवंशी की ये रिपोर्ट।